सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, क्या एक्शन वो लेंगे या नहीं लेंगे, सिर्फ सोचेंगे। हम ये चेक करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी फीलिंग्स, ठीक है, क्या होने वाली है, क्या सोचने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं, यही हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आप देख रहे हैं उसका 24 आवर्स, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स। सो जब भी आप देखेंगे इसे, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या रहेंगे डिवाइन। कुछ लोग मुझसे अगेन यू नो बार बार एक ही क्वेश्चन आता है, कैसे आपको कांटेक्ट करें। कांटेक्ट डिटेल्स आपको ऊपर दिख रहे हैं स्क्रीन पे। मेल आईडी में आप मेल कीजिए, मेल से ही आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर कहीं भी नहीं दिया है, आप मुझसे मेल में कांटेक्ट कीजिए, मेल कीजिए मुझे, उसके बाद मैं गाइड करूँगी आपको कि आपको कैसे फर्दर डिटेल्स मैं आपको वहाँ दूँगी, ठीक है। मैम प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होगी। ओह माई गॉड, प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के ओके, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Obstacle. Wow, beautiful. क्या बात है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance, please. One more time, please. 8-8 का पोर्टल आ रहा है, बहुत ध्यान से इंटीग्रिटी इंटीग्रेशन, बहुत कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। कोई कार्मिक अटैक हो सकता है इस टाइम पे, जो भी कर्मा हैं वो आपके रिटर्न होंगे, ठीक है। नंबर 8 जो है फल मिलने का टाइम होता है, रिजल्ट का टाइम होता है, रिबर्थ। Creativity, suppression, experiencing, देखिए मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, मैं नहीं सुनी हूँ ये गाना, सुनी भी हूँ तो बहुत कम सुनी हूँ। मतलब पूरा नहीं सुनी हूँ मैं गाना, ठीक है। अब क्या है गाना का मतलब या फिर क्या है मुझे नहीं पता, अंतरा वगैरह क्या है इसका मुझे नहीं पता है। आप लोग सुनिए जाके इस गाने को। तू मेरा कुछ ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा ना हो के भी कुछ लागे, जिया को मेरे मुझे नहीं आता है बिल्कुल भी, मुझे लिरिक्स भी नहीं पता इसके क्या हैं और
गाना भी मुझे नहीं पता कि क्या है, आप लोग सुनिए जाके, ठीक है? चेंज और एक कार्ड आ गया, डिसअपीयर। वाओ, मैरिज अगेन, ब्यूटीफुल कार्ड्स दिख रहे हैं। एक मिनट, आजकल कार्ड्स ऐसे क्यों दिखते हैं मुझे समझ नहीं आता। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे मुझे, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 15, 6 भी हो सकता है ये, 10, 3, 10 10 की अगेन एनर्जी है, 3 3 की एनर्जी है, ठीक है। 14, 5 भी हो सकता है, 24, 6 भी हो सकता है, 5, 4 एंड 5, ठीक है, 5, 4, 5, 3। वाओ, सो ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और मुझे जो दिख रहा है ना 24 आवर्स में, इनकी फीलिंग्स जो हैं ये आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर श्योर। बहुत दिन से ये एनर्जी आ रही है ना, आपको लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ एक मैजिक ये ज़रूर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अब खुद से अगर नहीं हो रहा है इनसे, तो ये चाहते हैं कि डिवाइन एनर्जी यहाँ वर्क करे और कुछ ना कुछ एक मैजिक क्रिएट हो, ताकि आप दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए और जो भी रंजिशें आप दोनों के दिल में है वो हील हो जाए। सो ऐसी एक पॉजिटिव थिंकिंग इनकी ज़रूर दिख रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर दिख रही है मुझे कुछ दिनों से इनकी एनर्जी में, ठीक है। ये इंसान जो है ना खुद की एनर्जीज पे काम करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं खुद को, दोनों एनर्जीज पे अपने काम करना चाहते हैं। बहुत प्रैक्टिकल अगर हैं तो ये अपने अंदर थोड़ा सा इमोशन को भी यू नो वैल्यू करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं आपको, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान के यू नो ब्लैंक कॉल्स आ रहे हों आपको, हेलो हेलो आप कर रहे हो और कोई सामने से बात नहीं कर रहा हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैसेज टाइप करके डिलीट कर रहे हैं, ये हो सकता है। अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे बार बार, यू नो बहुत कुछ ऐसे इनकी तरफ से आप देखोगे चीज़ें जो कि आपको समझ में आएंगी कि ये इंसान अब बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। सो जिनके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है उनके साथ ही ये रीडिंग मैच करेगी। अब जिनके पार्टनर आपको सब जगह से ब्लॉक करके रखे हैं और कोई हिंट आपको नहीं मिल रहा उनसे, तो मतलब ये एनर्जी आपसे मैच नहीं करेगी, ठीक है। फिर ज़बरदस्ती अपने आप से रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए एनर्जीज़ को, ठीक है। जिनके एनर्जीज़ ऐसे है, जिनके पार्टनर की एनर्जी ऐसे है, वो आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, या फिर कुछ ना कुछ हिंट आपको दे रहे हैं, तो उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो ये इंसान बैलेंस चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, या फिर किसी से बात कर रहे हों कि नो कुछ हेल्प कर दे बीच में कोई। लेकिन ये इंसान मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों से कोई थर्ड पर्सन से हेल्प चाह रहे हैं। अब थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है, थर्ड पर्सन मीन्स थर्ड पार्टी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, यू नो, या फिर प्रेयर हो सकता है, भगवान से चाह रहे हों कि कुछ भगवान मैजिक कर दे, ठीक है, डिवाइन एनर्जी कुछ मैजिक कर दे और आप लोगों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए, फिर रिश्ता हील हो जाए आपका। कुछ ना कुछ ये इंसान इंटेंशनली कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कोई तीसरा इन्वॉल्व हो और चीज़ें ठीक कर दे, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब किसी ना किसी को यहाँ आना होगा कुछ ठीक करने के लिए, ठीक है। सो इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे, फीलिंग्स इंटेंशन इनकी मुझे लग रहा है कि बहुत इनसिक्योर है, फियर है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर अब आप एग्री नहीं होंगे इस रिश्ते में और एफर्ट आप लगाना नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अपने मन में बात छुपा रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, या फिर दो लोग इनके लाइफ में हैं उनको लेके कंफ्यूज है। सो कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज, फियर, एक लॉस की एनर्जी, एक मन में दुख दर्द, ऐसा है इंटेंशन का, ठीक है। इनका ये भी है कि आप जो अंदर अंदर रख रहे हो ना फीलिंग्स अपनी, आप एक क्लैरिटी दें इनको, ठीक है। मतलब आप एकदम क्लोज्ड ऑफ हैं, आप एकदम नहीं बता रहे हैं अपनी फीलिंग्स, कहीं से आपकी फीलिंग्स का इनको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चाहते हो, आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो या नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, या आप किसी और से इन्वॉल्व हो गए हैं, आप किसी और के लिए तो आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गए। सो आपके मन में क्या है, आप कुछ छुपा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है आपसे एक क्लैरिटी चाहिए उनको, ये चाहते हैं कि यू नो कुछ ऐसा हो कि आपके मन की बात पता चले कि आगे कैसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इस इंसान के बारे में, आपसे क्लैरिटी चाहिए इनको, ओके। सो बहुत स्लो हो गई आपकी एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत स्लो हो गई है। पहले आपकी एनर्जी ऐसे नहीं हुआ करती थी, आप फटाफट से जब भी सेपरेशन होता था आप हमेशा चाहते थे कि तुरंत से आपका रीयूनियन हो जाए, या फिर इनको मनाना, या फिर इनको कॉल मैसेज करना।
सो अभी आप ये सब नहीं कर रहे, तो आपकी एनर्जी बहुत स्लो है, इनको लग रहा है कि बहुत स्लो मूविंग है आपकी एनर्जी, और इनको भी ऐसा लग रहा है ना, एक डर है इनके मन में कि जो ये स्लो जो जा रहे हैं बिल्कुल आपके तरफ, बेबी स्टेप जो ले रहे हैं, कहीं ये बेबी स्टेप लेते लेते कोई और आपको लेके ना चल जाए, ठीक है, इनको डर ये है। तो इनकी इनसिक्योरिटी ये है कि ये जो इंसान बहुत स्लो हैं या फिर बहुत धीरे धीरे सोच विचार करके आज सोचेंगे फिर कल कुछ और सोचेंगे परसों कुछ और हो जाएगा, एक्शन लेने में जो इनको इतना टाइम लग रहा है, ये जो इतना स्लो है कछुए की चाल जो ये चल रहे हैं, इनको डर है कि आपको कोई और लेकर चल जाएगा, कोई आपको चुरा ले जाएगा, इनको ये डर है। तो इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि जल्दी से इनको कोई या तो स्टेप लेना होगा जो कि नहीं ले पा रहे हैं, या तो आपको लेना होगा जो आप नहीं ले रहे हैं। सो कोई डिवाइन मैजिक यहाँ काम करे या फिर कोई तीसरा थर्ड पर्सन कोई आए जो कि आप दोनों की सुलह करवा दें, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्लियरिटी इनको ज़रूर चाहिए, ये एक रिबर्थ चाहते हैं, ये एक मैच्योरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, आपसे भी और खुद से भी। ये चाहते हैं कि अब जब ये रिश्ता फिर से जब फिर से आप दोनों साथ हों तो रिबर्थ हो, फिर से वो चीज़ें रिपीट ना हो जो पास्ट में हुई थी, फिर वो गलतियां आप दोनों ना करें जो आपने पास्ट में की थी, और एक रिबर्थ हो। सो इनको क्लैरिटी चाहिए कि क्या आप रिबर्थ के लिए, क्या इस रिश्ते को फिर से एक चांस देने के लिए आप रेडी हो, ये एक क्लैरिटी इनको चाहिए, ठीक है। एक मैच्योरिटी के साथ ये इंसान चाह रहे हैं। अब देखिए मैच्योरिटी के साथ ये इंसान चाहते तो हैं, लेकिन पूरा एक्सपेक्टेशन जो रहता है ये इनका आपसे रहता है कि जितनी मैच्योरिटी है वो आप दिखाएं। ये चाहते हैं मैच्योरिटी दिखाना, लेकिन ये दिखा नहीं पाते हैं। कुछ दिन का मैच्योरिटी रहता है इनका, उनके पास फिर से वो जो है एनर्जी, फिर वही इमेच्योर एनर्जी हो जाती है, फिर ब्लॉक अनब्लॉक, फिर से बात नहीं करना, जवाब नहीं देना, ऐसी एनर्जी रहती है इनकी। इस टाइम ये इंसान चाह रहे हैं ज़रूर कि एक मैच्योरिटी के साथ रिश्ता निभाया जाए, दोनों ही मैच्योरिटी दिखाएं, लेकिन ये कितना मैच्योरिटी दिखाएंगे तो यूनियन के बाद ही पता चलेगा आपको, है ना। सो इनको एक क्लैरिटी चाहिए आपसे कि आप इस रिश्ते में मैच्योरिटी के साथ ये रिश्ता फिर से एक इस रिश्ते में एक चांस देना चाहते हो, इस इंसान को एक चांस देना चाहते हो या नहीं, ठीक है। सो एक क्लैरिटी के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज करे और जानने की कोशिश करे, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू, या फिर किसी न किसी तरह से ये इंसान आपके मन की बात जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन जो है ना वो ऑब्स्टिकल है। सो कुछ लोग मुझे यहाँ लग रहा है कि डिवोर्स से प्रोसेस हो रहे हैं, डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि ये डिवोर्स लेके आपकी तरफ आएँ, ठीक है, ऐसा कुछ है जो कि इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है। अभी ये इंसान जो है डिवोर्स या तो प्रोसेस है हो नहीं रही है इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर ये इंसान डिवोर्स नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर को इसलिए ऑब्स्टेकल लग रहा है, ठीक है। सो थर्ड पार्टी यहाँ पे ऑब्स्टेकल लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि दो नाव पे पैर रख के इंसान नहीं चल सकते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन इनको लेना होगा, या फिर आप अगर थर्ड पार्टी में हैं तो ये इंसान चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन ले, एक क्लियरिटी दे इनको, दो नाव में आप पैर रख के नहीं चल सकते हैं। सो दोनों में से आप में से किसी एक को डिसीजन लेना है कि कैसे कंटिन्यू करें, एक इंसान को छोड़ के आपको इनके पास बढ़ना है, या तो इनको एक इंसान को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। सो ये अभी ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो शायद आप अभी डिवोर्स नहीं करोगे, और अगर इनके तरफ से थर्ड पार्टी है तो इनको लग रहा है कि अभी ये डिवोर्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक क्रिएटिविटी मतलब एक कुछ ऐसा करेंगे कि दोनों रिश्ते को ये संभाल पाएं, ठीक है। एक ऐसी क्रिएटिविटी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि दोनों को ये संभाल पाएं, दोनों को टाइम दे पाएं, या फिर आपको जो टाइम और इम्पोर्टेंस आपको नहीं दे रहे थे वो दे पाएं। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, थर्ड पार्टी ऐसा भी हो सकता है कि इनका इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई बिहेवियर हो सकता है, या फिर इनके फैमिली हो सकती है, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। सो जो भी है ये इंसान जो है एक क्रिएटिविटी एक बैलेंस क्रिएट करेंगे और आपको भी वो लव वो रेस्पेक्ट और वो टाइम एनर्जी आपको देने की कोशिश करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के चलते ही आप लोगों का रिश्ता इतना ख़राब हुआ है। सो इस टाइम इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है कि इस बार थर्ड पार्टी आपके यूनियन में ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक्शन में फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एक मैरिज स्टेबिलिटी कमिटमेंट को बताती है। सो ये इंसान जो है आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, जिन लोगों के लाइफ में मैरिज पॉसिबल है, आपके पर्सन से आपको मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, क्योंकि उसके साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो एक ऑफर की है और मैरिज ऑफर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो जिन लोगों का पॉसिबल है उनके लिए ये ऑफर मैरिज का ही होगा, जिनके पॉसिबल नहीं है जिनके लाइफ में मैरिज, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ एक स्टेबिलिटी है, इनकी तरफ से कोई वादे कोई कस्में कोई प्रॉमिस ये करेंगे कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब कोशिश करेंगे रिश्ते को निभाने की, ऐसे कोई स्टेबिलिटी जो है इंसान इस रिश्ते में लेके आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
अगर ये इंसान पास्ट में लॉयल नहीं थे तो इस टाइम ये इंसान जो है लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, ये नहीं चाहते हैं कि अब कोई तीसरा इंसान आपके दोनों के बीच में आए और चीज़ें ख़राब हों। सो इसलिए ये इंसान जो है इस टाइम पूरे स्टेबिलिटी के साथ, पूरे लॉयल्टी के साथ आपके साथ स्टेबल रिश्ता निभाना चाहते हैं। लॉयल्टी जो है ना, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के चलते आपको छोड़कर गए हैं और इस टाइम इनको वो सारी चीज़ें, इनके गिल्ट है, इनके मन में इनसिक्योरिटी है कि यू नो, इनको एक डर भी है कि इनका कर्मा जो है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगी और इनको वापस वो चीज़ें मिलेंगी। सो इसलिए ये इंसान जो है लॉयल रहना चाहते हैं, अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अब आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। सो पहले अगर ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे जो मैरिड है उनके लिए, ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे पास्ट में, तो अब ये इंसान जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं आपकी, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लव केयर टाइम एनर्जी आपके साथ सब कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सो इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, नेक्स्ट 24 आवर्स में ये इंसान जो है बहुत पॉजिटिवली आपके बारे में सोचेंगे। और क्योंकि फोर ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, सो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, ओके, हीलिंग कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये इंसान चाहते हैं कि ये रिश्ता आप हील करें। अगेन दो सिचुएशन में ये इंसान फंसे हैं, लेकिन ऑफर ज़रूर लेके आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, ऐसा लग रहा है मुझे। और बहुत रोमांटिक ऑफर होगा मुझे ऐसा लग रहा है, रोमांटिक के साथ ये प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि यू नो, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी के साथ आपको कोई ऑफर देना, कोई स्टेबल ऑफर, ऐसा नहीं कि यू नो कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई ऑफर देंगे, ऐसा नहीं, ये कुछ अच्छा ऑफर देना चाहते हैं आपको, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये और सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, और जो ये बार बार गायब होते थे या फिर आप बिल्कुल गायब हो, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है एक चेंज लेके आए इस रिश्ते में, एक चेंज ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में ये इंसान, ठीक है। अब ये इंसान इनसे अब एक्चुअली ना नहीं हो रहा है, मतलब एक होता है ना कि बहुत दिन हम अपने मन में बातें रखते हैं तो होता क्या है उससे, अगर हम बहुत किसी के लिए अपने मन में बहुत सारे फीलिंग्स हमने रखा है, हम कुछ दिन ही उसको दबा सकते हैं, हम कुछ दिन ही उसको सप्रेस कर सकते हैं। एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब वो बस्ट होता है, एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब वो यू नो बम फूटता है। तो इनका जो, इनकी जो फीलिंग्स है ना वो फूट रही है अंदर से, ठीक है। अब इनको वो चीज़ें सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही, तकलीफ हो रही इनको अब। तो ये इंसान चाहते हैं कि एक जो, या तो आप गायब हैं अभी फिलहाल के लिए, या तो ये इंसान जो गायब होते हैं, तो ये एक एनर्जी चेंज की ज़रूरत है यहाँ पे। और जो सेपरेशन, जो आप लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो, नहीं एक्सप्रेस करते हो, ये भी इनको लग रहा है कि यू नो अब नहीं करना है इस ये सारी चीज़ें, और एक स्टेबिलिटी लेके आनी है इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है। सो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ये इंसान जितना भी अच्छा सोच ले आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में, लेकिन जब तक आप लोग हील नहीं होंगे, ये अच्छा सोच के भी है ना एनर्जी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये सोचेंगे अच्छा ज़रूर, लेकिन जब आप लोग साथ होंगे तो फिर से ये इंसान वही सब चीज़ करेंगे, वही ऑन एंड ऑफ, वही आपको ट्रिगर करना, वही फिर से गायब हो जाना, ये वही सब करेंगे। इसलिए क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हीलिंग करनी होती है, और ये इंसान सिर्फ आपको मिरर दिखाने आते हैं, आपके अंदर आपकी डार्क शेडोज़ जो हैं उसको शो करने के लिए आते हैं। तो जब ये इंसान बहुत अच्छा सोच के भी आपकी लाइफ में भले आए, लेकिन फिर से विद इन अ मंथ फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी अगर आप हील नहीं कर रहे हो। इसलिए हीलिंग की एनर्जी, सो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। सो कुछ टैरो कार्ड रीडिंग ये इंसान या तो देखते होंगे, या तो कहीं से गाइडेंस इनको मिली होगी कि इनको हीलिंग करनी है। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कनेक्शन, तो इसलिए इंसान चाहते हैं कि हील करें आप और ये दोनों, ठीक है। सो ये आज की जो रीडिंग है ना, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो जिन लोगों को पता है कि यू नो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, उनके साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। कुछ मैसेजेस भी हम चेक कर लेंगे, क्या बोलना चाहते हैं इंसान। सब मैसेजेस प्लीज लगाएं। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। जैसे आप चलते हो, घूमते फिरते, नाचते गाते, हंसते हो, स्माइल करते हो, रोते भी हो, इवन वो भी जो है इनके इनका जो दिल पिघला देता है वो, ठीक है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो ये इंसान हमेशा आपको सोच के सुबह स्माइल करके ही उठते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। अभी स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। तो ये मैरिड लोगों के लिए है, जो लोग मैरिड हैं और सेपरेट हैं, इनको अब अकेले सोने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। When I am with you, I can be myself. ये जब आपके साथ होते हैं, इनको लगता है कि ये अपने साथ हैं, खुद के साथ हैं, ऐसा लगता है। You are not afraid to be silly with me. So आप कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी सिली हरकतें करने में जो है आप इनके सामने डरते नहीं हो, आप बहुत अपने आप में रहते हो, जैसे आप हो अपना रियल सेल्फ, वैसे ही आप रहते हो इनके साथ, कोई यू नो बनावटी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ये कहना चाहते हैं।
यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इनपरफेक्शंस। ये कहना चाहते हैं कि यू नो जितना भी ये इनका बहुत मूड स्विंग्स होता होगा, यू नो कभी बहुत अच्छे कभी बहुत ख़राब, बहुत इनमें बुराइयाँ भी होंगी, बहुत कुछ, सब में आप बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हो, आप इनको यू नो किसी वजह से आप इनको टॉलरेट कर लेते हैं, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। आई कैन स्टे एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब आप सोते हो ये इंसान आपको, जब आप सोते हैं तो ये इंसान आपको देखते हैं, या फिर फैंटासाइज करते हैं कि जब आप सो रहे हैं तो ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। यू गिव अमेजिंग हग्स, तो आप जब इनको हग करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, इनका कहना ये है। ओके, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, तो आप इनको बहुत कुछ सिखाते हो, और स्पेशल जर्नी इसलिए ही होती है ताकि अपने पर्सन को आप बहुत कुछ सिखा पाओ। वी लॉस ट्रैक ऑफ टाइम वेन वी आर टुगेदर, जब आप साथ होते हो तो टाइम का पता नहीं चलता है, इनका कहना ये है, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस, थैंक यू सो मच डिवाइन। वी कैन चैट फॉर एवर, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप घंटों आपसे ये बात कर सकते हैं इंसान, और एक आपकी इंपॉर्टेंस आपकी वैल्यू जैसे इनको पता चल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो नेक्स्ट 24 आवर्स इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बहुत पॉजिटिव लग रही है मुझे इनकी फीलिंग्स। आई विश कि आप सबकी बात हो जाए आपके पार्टनर से, मैं यही प्रे करूँगी, और आप लोग भी पॉजिटिव रहें, हायर वाइब्रेशन में रहें, मैनिफेस्ट करें अपनी अच्छी जिंदगी को। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।